बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11 क्लास की इंग्लिश बुक से प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के कैरेक्टर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टर मिस्टर स्पेल्डिंग, जनरल पावर्स, एलन स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग के बारे में। पहला अब कैरेक्टर देखते हैं, ये है क्रेटन का, जो कि मेन कैरेक्टर है सबसे अहम। क्रेटन इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। क्रेटन जो है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट ड्रामे का ख़ास किरदार है। ही इज़ हाईली एडवांस एलियन, ये बहुत तरक्की याफ्ता एलियन या अजनबी है, फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, किसी दूसरे प्लैनेट से, दूसरे सैारे से, इन अ डिफरेंट सोलर सिस्टम, जो कि किसी दूसरे निज़ाम शमसी में वाक़ है, जो प्लैनेट है किसी और निज़ाम शमसी में वाक़ है। ही विजिट्स अर्थ फॉर क्यूरियासिटी एंड अम्यूज़मेंट। ये जो क्रेटन जो है वो अपनी सिर्फ तफरी और तजस्सुस की खातिर ज़मीन का दौरा करता है, ज़मीन पर आता है सिर्फ मालूमात हासिल करने, जैसे तजस्सुस था ज़मीन के बारे में जानने का। ही अराइव्स एट मिस्टर स्पेल्डिंग्स हाउस इन अ स्पेसशिप, वो एक स्पेसशिप में मिस्टर स्पेल्डिंग के घर पर आया था। ही इज़ अ प्लेजेंट लुकिंग ओल्ड फैशन मैन, वो एक खुशगवार नज़र आने वाला पुराने ज़माने का आदमी है। ओल्ड फैशन इसलिए कि वो पुराने ज़माने के कपड़े, वो समझा था कि 100 साल पहले आ गया है, तो वो उस ज़माने के कपड़े पहने हुआ था, तो इसलिए से ओल्ड फैशन लिखा है कि वो देखने में अच्छा था और लेकिन पुराने ज़माने का आदमी लग रहा था। क्रेटन इज़ अ गुड हम्बल इम्प्रेसिव बट मिस्चीवियस पर्सन, क्रेटन एक अच्छा महजिब मुतासिर कुन और लेकिन एक शरारती शख्स है। डिस्पाइट हिज मिस्चीवियस नेचर, क्रेटन इज़ नॉट पोर्ट्रेट इज़ विकेट और डेंजरस, उसकी शरारती फितरत के बावजूद क्रेटन जो है उसको मक्कार या ख़तरनाक शख्स के तौर पर नहीं दिखाया गया है। ड्रामे में उसे एक मासूम या एक अच्छा इंसान दिखाया गया है। ही ट्रीट्स द ह्यूमन वर्ल्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रेदर देन अ सीरियस प्लेस, वो इंसानी दुनिया को कोई संजीदा जगह नहीं समझता बल्कि तफरी का ज़रिया समझता है, क्योंकि वो सिर्फ तफरी करने और मालूमात हासिल करने आया था। ही पजेजे सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, उसके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थी, गैरमामूली सलाहियतें थी। ही हैज़ अ पावर टू रीड पीपल्स माइंड, वो लोगों के जहनों को पढ़ लेता था। ही आल्सो हैज़ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस ऑन अर्थ एंड आल्सो ही इज़ इमॉर्टल, और दूसरे ये कि वो लोगों तमाम दुनिया भर की तमाम जबानें जानता था और वो लाफानी था, यानी वो मरता नहीं था, इमॉर्टल था। ही डज़ नॉट शो ऑफ हीज स्ट्रेंथ अनटिल ही इज़ फोर्स टू डू सो, और वो अपनी ताकतें लोगों को दिखाता नहीं फिरता था जब तक कि उसको मजबूर ना किया जाए। जैसे जनरल पावर्स ने उसे मजबूर कर दिया था, उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने दीवार बना दी थी, जिसकी वजह से ना नज़र आने वाली दीवार बनाई थी जिससे वो पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन जब तक उसे मजबूर नहीं किया जाता था वो कोई ऐसी अपनी ताकतें शो नहीं करता था। हिज़ एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज हॉर्स इज़ वेरी फ्रेंडली, अपने जो उसके मेज़बान थे उससे उनसे उनका रवैया बहुत दोस्ताना था। हिज़ कॉमिकल रिमार्क्स एड ग्रेट इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन टू द प्ले, उसके जो मज़ाहिया तबसरे थे ड्रामे में बहुत कशिश और दिलचस्पी पैदा कर देते थे, यानी जो जवाब जो देता था लोगों को तंज़ो मज़ा से भरपूर होते थे, तो उसकी वजह से जो प्ले है ये लोगों को अच्छा लगता था। क्रेटन ओनली केयर्स अबाउट एंटरटेनिंग हिमसेल्फ बाय कॉजिंग वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, क्रेटन जंग और तबाही का बायस बनकर सिर्फ अपने आप को तफरी फराम करना चाहता था। वो आया था कि जंग हो और दुनिया पर कब्ज़ा करूँ, तो वो सिर्फ तफरी के लिए सब कुछ कर रहा था। ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड द मॉरल्स एंड इमोशंस ऑफ अर्थलिंग, उसे दुनिया वालों ज़मीन वालों के जो अखलाक और जज्बात समझ नहीं आते थे। ही एक्सपोजेस देयर वीकनेसेस एंड हिपोक्रेसीज, और वो उनकी कमज़ोरियों और मक्कारियों को बेनकाब करता है ज़मीन में मौजूद लोगों की, द फ्लॉज एंड स्टूपिडिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनकी खामियों और उनकी जो बेवकूफ़ियाँ थीं, हिमाकतें थीं, उन्हें उनके सामने लाता था, उन्हें पेश करता था। ये था क्रेटन का कैरेक्टर। उसके बाद है मिस्टर स्पेल्डिंग।
मिस्टर स्पेल्डिंग जो है इनका है, इन द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट मिस्टर स्पेल्डिंग इज मिडिल एज्ड मैन हु वर्क्स एज अ टेलीविजन रिपोर्टर। तो इस प्ले में अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में मिस्टर स्पेल्डिंग जो हैं वो एक अधेड़ उम्र के या दरमियानी उम्र के एक टेलीविजन रिपोर्टर हैं, इन आदमी हैं जो कि टेलीविजन रिपोर्टर भी हैं। ही इज़ द फादर ऑफ एलन स्पेल्डिंग, वो एलन के फादर हैं, उनके वालिद हैं एलन के। ही इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले, और वो प्ले में ड्रामे में उनका किरदार बहुत अहम है। ही इज़ अ कंजर्वेटिव एंड नैरो माइंडेड पर्सन, वो एक कंजर्वेटिव क़दामत पसंद और तंग नज़र शख्स हैं। जैसे वो अपनी बेटी को एक गरीब किसान से शादी नहीं करने देना चाहते, तो वो क़दामत पसंद और तंग नज़र शख्स हैं। ही इज़ अ सिम्बल ऑफ अमेरिकन प्राइड, और वो अमरीकी फ़ख्र की अलामत है, क्योंकि टीवी ज़माने में पहली दफ़ा नया नया आया था तो वो फ़ख्र की निगाह से देखे जाते थे अमेरिका में, टीवी पे काम कर रहे थे। ही डज़ नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली, ही व्यूज़ द फैक्ट थ्रू द रूलर्स आईज, वो अपने जो आज़ादाना तौर पे नहीं सोचते थे, और वो हकायक को हुक्मरानों की नज़रों से देखते थे। जब जनरल पावर्स ने उन्हें कहा कि आसमान पर नज़र आने वाली चीज़ कोई मौसमी गुबारा या मेट्रोर है, तो उन्होंने वही माना, उन्होंने आज़ादाना तौर पे नहीं सोचा कि लोग जो देख रहे हैं वो कोई खलाई जहाज़ भी हो सकता है। उन्होंने जो उन्हें बताया गया, जो हुक्मरानों ने जो उन्हें बताया, वो वही बस सोचते रहे, तो वो हुक्मरानों की नज़र से दुनिया को देखते थे। ही वर्शिप मनी पावर एंड सक्सेस, और वो ठीक है, पहले ही वांट्स टू बी फेमस एज अ ब्रॉडकास्टर, वो एक ब्रॉडकास्टर, टीवी ब्रॉडकास्टर की हैसियत से मशहूर भी होना चाहते थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि इंटरव्यू कर लें क्रेटन का, कि पहले एलियन का दुनिया में जो इंटरव्यू करें वो हों, तो इस तरह वो मशहूर हो जाएंगे, तो वो अपनी मशहूरी भी चाहते थे। ही वर्शिप मनी पावर एंड सक्सेस, और वो पैसे ताकत और कामयाबी की पूजा करते थे, यानी कि उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। ही इज़ अ फर्म बिलीवर इन अपहोल्डिंग सोसाइटल नॉर्म्स, और वो माशरे की पुरानी इकदार को बरकरार भी रखना चाहते थे। When Creighton, the alien visitor, arrives on Earth, Mr. Spalding becomes suspicious of his presence. जब Creighton जो alien ज़मीन पर आया, तो वो उसे उन्हें उसकी मौजूदगी पर शक हुआ, और वो उसको एक बाहर के आदमी के तौर पर देखते थे, जो दूसरी दुनिया से आया हुआ, तो वो उसे शक करते थे कि वो ज़मीन के लिए बेहतर नहीं है, या उसके नज़रिया ज़मीन वालों के लिए बेहतर नहीं है। He sees Creighton as an outsider who challenges his conservative beliefs, और वो उसे बाहर के आदमी की नज़र से देखते थे, जो कि उनके पुराने या क़दामत पसंद जो अक़ायद थे, या उनकी जिन चीज़ों पे वो यकीन रखते थे, उनको जो उनको चैलेंज करता था। He is also a generous man, लेकिन वो एक सखी या फिर फराग दिल आदमी भी थे। As he invites Creighton to stay at his house, क्योंकि उन्होंने Creighton को अपने घर में रुकने की भी इजाज़त दी थी। Generally he is a cool and compromising man, और वो बेसिकली जो वो जनरली तो आमतौर पर वो एक ठंडे और समझौता करने वाले इंसान थे, क्योंकि जब उनके घर में मार्शाला लगाया, उन्होंने आसानी से बर्दाश्त कर लिया, क्रेटन रुक गया उसको बर्दाश्त कर लिया, तो यानी वो एक ठंडे मिजाज के और समझौता करने वाले आदमी थे। ऑल्दो ही इज़ प्राउड टू बी एन अमेरिकन, ही इज़ नॉट एरोगेंट एट ऑल, हालांकि वो खुद को फ़ख्र महसूस करते थे अमरीकी होने पर, लेकिन वो मगरूर नहीं थे, बिल्कुल भी मगरूर नहीं थे। ये था मिस्टर स्पेल्डिंग का कैरेक्टर। अब है जनरल पावर्स, जनरल पावर्स का कैरेक्टर। इन द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जनरल पावर्स इज अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हु प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरी। ड्रामा या प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में जनरल पावर्स एक और अहम किरदार हैं, जिसने कहानी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ही इज़ अ मिडिल एज्ड मैन एंड अ हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर, वो एक अधेड़ उम्र का आदमी है और आला फौजी अफसर है।
ही इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट हिज जॉब. उसे अपने मुल्क की दिफा की बहुत फिक्र है. जॉब उसकी यही है, मुल्क का दिफा करना, तो उसकी अपनी जॉब की उसे फ़र्ज़ की अदायगी की बहुत फिक्र है. ही इज़ वेरी सर्टेन अबाउट द डिफेंस ऑफ हिज कंट्री एंड कैन रिस्क एनीथिंग फॉर द पर्पस. ही इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट हिज जॉब. वो अपने फ़र्ज की अदायगी के लिए बहुत पुरजोश है. ही इज़ वेरी सर्टेन अबाउट द डिफेंस ऑफ हिज कंट्री एंड कैन रिस्क एनीथिंग फॉर दैट पर्पस. उसे अपने मुल्क के दिफा की बहुत फिक्र है और उसके लिए वो कोई भी ख़तरा मोल ले सकता है. एज अ मिलिट्री मैन ही साउंड अथॉरिटेरियन बट ही कैन नॉट हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशंस. एक फ़ौजी के तौर पर तो वो बहुत तहकुम पसंद है, यानी बहुत हुक्म तो बहुत देता है, लेकिन बट ही कैन नॉट हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशन, लेकिन मुश्किल हालात को वो संभाल नहीं सकता. जैसा कि कैरेक्टन जब आया तो वो इस मसले को आसानी से संभाल ही नहीं पा रहा था, सिर्फ परेशान हो रहा था. बेसिकली जनरल इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन. बुनियादी तौर पे वो एक ज़हीन इंसान नहीं था. कैरेक्टन बिलीव्स दैट द जनरल इज़ टू डल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट हिज प्लानट. कैरेक्टन का ख्याल था कि जनरल उसके सैयारे के बारे में कुछ भी समझ नहीं सकता, बहुत कुंजहन है इस बारे में. कैरेक्टन का ख्याल था, जो उसने कहा था कि 500 साल में भी इधर नहीं समझा सकता अपने सैयारे के बारे में, अपने प्लानट के बारे में कि वो कहाँ पर है. एज अ लीडर ही इज़ नॉट वेरी ग्रेट. और वो एक अच्छा रहनुमा भी नहीं था. ही डज़ नॉट कम अप विद न्यू आइडियाज़ इन चैलेंजिंग सिचुएशंस. और वो मुश्किल हालात में भी वो अच्छी मनसूबाबंदी नहीं कर सकता था. उसे कोई नए अच्छे ख्याल नहीं आ सकते थे, नई मनसूबाबंदी नहीं आती थी मुश्किल हालात में. जनरल पावर्स इज स्टर्न एंड अनवेवरिंग इन हिज ड्यूटी. वो अपने फ़राइज की अदायगी में बहुत सख्त और अटल है. यानी अदायगी तो बहुत करनी चाहता है अच्छी तरह, लेकिन फिर भी उसको सही तौर पे कर नहीं पाता. ही ऑफन प्रायोरिटाइजेस नेशनल सिक्योरिटी अबव ऑल एल्स. वो कौमी सलामती को हर चीज़ पर तरजीह देता है, यानी अपने मुल्क की हिफाजत को हर चीज़ पर तरजीह देता है. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर स्पेल्डिंग बट ही डज़ नॉट हेजिटेट टू पुट द हाउस अंडर मार्शल लॉ व्हेन नेसेसरी. वो मिस्टर स्पेल्डिंग का अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके घर में भी ज़रूरत पड़ने पर आरजी जो फौजी हुकूमत मार्शल लॉ लगाया था तो उसे लगाने से हिचकिचाता नहीं है. यानी उसे ज़रूरी समझा तो उसने ये काम किया, अपनी ड्यूटी को पूरा किया उसने. जनरल पावर्स इज़ अ ट्रू पेट्रियट एंड अ सिंबल ऑफ अमेरिकन प्राइड एंड एरोगेंस. वो एक सच्चा मुहिब वतन है और अमरीकी हुरूर तकब्बुर की अलामत है. हुरूर तकब्बुर ऐसे कि वो समझता है कि हर चीज़, जैसे अमरीका चाहता है कि हम हर चीज़ को पूरी दुनिया में हल कर सकते हैं, हर मसले को या हर मुल्क पे हमारा हुक्म चलना चाहिए, तो उस चीज़ की ये एक अलामत है. जिस तरह ये ख़ुद को एक बहुत बड़ा अहम शख्स समझ रहा था क्रेटन के मुकाबले में. ही हैज़ फिक्स्ड बिलीव्स एंड ही सीज द वर्ल्ड थ्रू हिज ओन परसेप्शंस. वो उसके अकायद या जहन जो है उसका, वो सख्त हैं उसके अकायद जो हैं, और वो दुनिया को अपने तसव्वुरात की बुनियाद पर ही देखता है. जो उसके जहन में है कि जो शख्स अच्छा नहीं है या जो चीज़ अच्छी नहीं है वो उसको बुरा ही समझता है, और उसे यकीन नहीं आ रहा था. जिस तरह कैटा ने जब उसे बताया कि उसके कोई मकासद नहीं है गलत, तो भी उसे यकीन नहीं आ रहा था. वो जो समझ रहा था कि बस ये किसी मुल्क का जासूस है या ये तबाही के लिए आया है, तो वो बस अपने नज़रियात से ही उसे देख रहा था. When Creighton, the alien visitor, arrives on Earth, General Powers becomes suspicious and sees him as a potential threat. जब Creighton ज़मीन पर आता है तो General Powers मशकूक हो जाता है और उसे एक मुमकिन ख़तरा समझता है. Throughout the play, he tries to capture and control Creighton. पूरे प्ले में उसने, पूरे ड्रामे में क्रेटन को पकड़ने और कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है. ही वांटेड नॉट ओनली टू डिफेंड हिज कंट्री बट आल्सो टू अर्न फेम एंड प्रमोशन. वो सिर्फ अपने मुल्क का ही दिफा नहीं करना चाहता बल्कि शोहरत और तरक्की भी हासिल करना चाहता है. यानी उसे ये लालच भी था कि क्रेटन को पकड़ के उसे तरक्की भी मिलेगी. तो वो सिर्फ अपने मुल्क का दिफा ही नहीं चाहता बल्कि शोहरत और तरक्की भी हासिल करना चाहता है. ये था जनरल पावर्स का कैरेक्टर. उसके बाद हमारा कैरेक्टर है हमारे पास एलन स्पेल्डिंग का, यानी कि मिस्टर स्पेल्डिंग की बेटी एलन का.
In the play, A Visit to a Small Planet, Ellen Spalding is the daughter of Mr. and Mrs. Spalding. ड्रामे स्मॉल अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में एलन जो है वो मिस्टर और मिसेस स्पेल्डिंग की बेटी है. ही इज़ अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन द प्ले. ये एक ड्रामे का अहम किरदार है. ही रिप्रेजेंट द यंगर जनरेशन्स व्यू एंड कंट्रास्ट हर फादर्स कंजर्वेटिव वैल्यूज़. वो नौजवान ड्रामे में वो एक नौजवान नस्ल की नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करती है और अपने वालिद के पुराने ख्याल की मुखालिफ है. उसके वालिद जैसे चाह रहे थे शादी के बारे में, तो उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका शोहर जो भी है जैसा भी है उसे पसंद है, तो बस वो अपने वालिद की मुखालफत में उसे शादी भी करना चाहती थी. एलन स्पेल्डिंग इज़ अ रिबेलियस इंटेलिजेंट क्यूरियस अनअफ्रेड एंड इंडिपेंडेंट यंग वूमेन. एलन जो थी वो एक बागी जहीन और इसमें तजस्सुस था, जानने का चीज़ों को, बेखौफ थी और आज़ाद नौजवान औरत थे. ही इज़ वेल मैनर्ड. बहुत महज़िब थी, पोलाइट थी, शाइस्ता थी और कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ हर लाइफ और अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मुतमइन थी. उसे ज़्यादा का लालच नहीं था. ही लव्स जॉन हु इज़ अ फार्मर. उसे जॉन से मोहब्बत थी जो कि एक किसान था. डिस्पाइट हर फादर्स डिसअप्रूवल ही वॉन्ट टू मेरी जॉन. अपने वालिद की नापसंदीदगी के बावजूद वो जॉन से शादी करना चाहती थी. व्हेन क्रेटन अराइव्स ऑन अर्थ ही एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस एट हिज अराइवल. जब क्रेटन ज़मीन पर आता है तो उसे बहुत खुशी होती है उसके आने की. वो उसकी आमद पे खुशी का इजहार करती है. अनलाइक हर फादर शी सीज हिज अराइवल एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज. अपने वालिद के बरक्स वो इसकी क्रेटन की आमद को इस एक तब्दीली के मौके पर देखती है. ऐसा लगता है जैसे कोई तब्दीली आ गई है उसकी ज़िंदगी में, तो वो उसे अच्छा लगता है. हर कैरेक्टर शोज़ द क्लेश बिटवीन यंगर एंड ओल्डर जनरेशंस. उसका किरदार नई और पुरानी नस्ल के दरमियान तसादुम को जाहिर करता है. ये था एलन स्पेल्डिंग का कैरेक्टर. और लास्ट है मिसेस स्पेल्डिंग का कैरेक्टर हमारे पास. मिसेस स्पेल्डिंग इनका कैरेक्टर है. इन द प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट मिसेस स्पेल्डिंग इज़ अ वाइफ ऑफ मिस्टर स्पेल्डिंग एंड द मदर ऑफ एलन. ड्रामे स्मॉल विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में मिसेस स्पेल्डिंग जो थी मिस्टर स्पेल्डिंग की वाइफ और एलन की वालदा थी. शी इज़ अ टिपिकल हाउस वाइफ. वो एक आम घरेलू खातून थी. ही केयर्स अ लॉट अबाउट हर फैमिली एंड इज़ ऑलवेज बिजी विद हाउस होल्ड चोर्स. वो अपनी फैमिली का बहुत ख्याल करती थी और सारा वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहती थी. ही शोज़ अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वाइफ एंड मदर. वो एक बीवी और माँ के तौर पे फ़र्ज और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करती थी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती थी. एज अ मदर मिसेस स्पेल्डिंग केयर्स फॉर हर डॉटर एलन एंड इज़ कंसर्न अबाउट हर वेलबींग. एक माँ के तौर पे वो अपनी बेटी एलन का बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी और उसकी बेहतरी के लिए या उसकी खैरियत के लिए फ़िक्रमंद रहती थी. ही इज़ फंड ऑफ गार्डनिंग एंड हैज़ अ ब्यूटीफुल रोज़ गार्डन. वो बागवानी की शौकीन थी और उसका एक बहुत खूबसूरत गुलाबों का बाग था. ही इज़ अ हम्बल काइंड एंड पोलाइट लेडी. वो एक महज़ब शाइस्ता और मेहरबान औरत थी और औरत है. व्हेन क्रेटन अराइव्स एट हर हाउस शी रिमेंस पोलाइट एंड ट्रीट हिम एज एन ऑनर्ड गेस्ट. जब क्रेटन उसके घर आता है तो वो बहुत खुश अखलाकी से उसे पेश आती है और उसे एक उस क्रेटन से मौजूद मेहमान की तरह सलूक करती है. शी प्रिपेयर्स मील्स फॉर हिम एंड एंगेज इन स्मॉल टॉक. सो उसके लिए खाना तैयार करती है और उसे छोटी मोटी बातें करती है. शी इज़ एन ओपन माइंडेड लेडी. वो एक खुले जहन की औरत थी. शी आल्सो रिस्पेक्ट हर हस्बैंड एंड अप्रिशिएट हिज वर्क. वो अपने शोहर की इज्जत भी करती है और उसकी काम की कदर भी करती है. शी इज़ अ गुड मदर एंड अ गुड वाइफ. वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी है. तो ये थे हमारे कैरेक्टर प्ले के, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के कैरेक्टर थे, जो मेन कैरेक्टर खास ड्रामे के थे. उम्मीद है आपको कैरेक्टर समझ आ गए होंगे. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.